सोशल कंपैरिजन, क्या ये करना सही है? नहीं नहीं, शायद ये करना गलत है। दोस्तों, हमें सोशल कंपैरिजन कितना करना चाहिए, उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, और यदि हमने उसको ज़्यादा कर दिया तो जो इससे जुड़ी हुई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमें उनका निवारण कैसे करना चाहिए, पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार, और आप सबका बहुत दिल से स्वागत है अंतरयात्रा सीजन 2 में। अंतरयात्रा, जिसमें कि हम खुद को हमारे ट्रू सेल्फ के साथ जोड़ते हैं। जब हम अपने आप को ट्रू सेल्फ के साथ जोड़ते हैं तो इस यात्रा में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे? जैसे कि पहले हम अपनी ध्यान, अपनी ज्ञान की प्रैक्टिस से हम स्टिलनेस की स्थिति में पहुंचते हैं, यानी कि हमारे अंदर किसी भी तरीके के विचार, इमोशंस हलचल नहीं मचाते हैं, हमें उनका सामना करना आ जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं एम्प्टी माइंड की स्थिति में, यानी कि हमारा जो माइंड होता है वो हर समय एम्प्टी रहता है, और तब हम ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ पाते हैं। जो हमने बात करी कि स्टिलनेस में जाना, अब स्टिलनेस में जाने में सबसे ज़्यादा हमारे को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो है हमारी मानसिकता से, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हमारे इमोशंस। उसी के ऊपर हम रोशनी डालते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से हम उन इमोशंस का सामना करके हम अपनी अंतर यात्रा को बहुत सुलभ और सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी तरीके की एक बाधा की बात करेंगे। ये एक ऐसी बाधा है जिसके घेरे में हम सब हैं, मैं भी हूँ और आप सब भी हैं। अब आप सोचेंगे, ऐसी क्या बाधा है? ये है दोस्तों हमारा सोशल कंपैरिजन। जी हाँ, हमारा समाज में हम रहते हैं और जब हम हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, हम सब कभी ना कभी बहुत सारे जीवन के एस्पेक्ट में दूसरों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, पावर के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर, इवनली प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, और कभी कभी तो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि कंपैरिजन होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये समझने के लिए, जब हम अपने जीवन को किसी और के जीवन के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि जब हमें ये देखने लग जाती हूँ कि मेरे जीवन में और उसके जीवन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा, इसका रूट कॉज क्या है, हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको शायद सुन के आश्चर्य भी लगेगा, इसका रूट कॉज है बायोलॉजिकल रीज़न। जी हाँ, वी आर प्रोन टू डू कंपैरिजन। हमारा ये एक इनेट डिज़ायर है, यानी कि जन्मजात डिज़ायर है। हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, वो हमेशा दूसरों के साथ जब कंपेयर करता है तो वो हमें मेजरमेंट करना सिखाता है, यानी कि वो हमारे लिए एक बेंचमार्क बना देता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो हर समय इस प्रोसेस में रहता है, हमें दूसरों के साथ कंपेयर करने के प्रोसेस में वो लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्लासिकल सिंगिंग सीखनी है। मैंने आज से पहले कभी क्लासिकल सिंगिंग नहीं करी, तो मैंने क्या किया, हमने उसके लिए एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। जब मैं वहाँ पे गई, मैं अपनी क्लास में गई और मैंने देखा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो मुझसे एज में बड़े हैं, कोई मेरी एज के और कोई मुझसे एज में छोटे हैं, और जब मैंने उनको देखा कि अरे वाओ, उनकी सिंगिंग एबिलिटी क्लासिकल में कितनी स्ट्रांग है, तो वो क्या बन गया, वो मेरे लिए एक बेंच मार्क बन गया। अब यदि मैं उस बेंच मार्क को यूँ लेके चलती हूँ कि भाई हाँ, मेरे को भी ये एबिलिटी अपने में डालनी है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो कंपैरिजन हमारे लिए किसी भी तरीके की बाधा का काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, फिर बाधा कब आती है? बिल्कुल,
सोशल कंपैरिजन से बहुत बड़ी बाधा आती है। जानते हो वो कब आती है? जब हम अपनी वीकनेसेस को, यानी कि जब हम अपनी कमियों को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। अब क्या होगा, हम सोचेंगे अरे मेरे में कितनी कमियां हैं, वो कितनी अच्छी सिंगिंग कर रही है, मैं तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। अब ये जो कंपैरिजन होता है, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक बेंचमार्क नहीं देगा, ये हमें एक मापदंड नहीं देगा, ये उल्टा हमें क्या करने लग जाता है, हम खुद से ही कॉन्फिडेंस अपना लूज करने लग जाते हैं। आजकल के ज़माने में दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब होता क्या है, हम किसी भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, अब उसमें जब हम लोगों को देखते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, या हम उनकी पिक्स ही देख रहे हैं, अरे वो यहाँ गया, वो वहाँ गया, अब क्या होने लग जाता है, हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक सोशल कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम वो देख रहे हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है, हमें उनकी ज़िंदगी का पूरा पहलू नहीं पता। और यदि हमें उनकी ज़िंदगी का पूरा पहलू पता चल जाए, तो 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अरे थैंक गॉड, मेरी लाइफ तो उनकी लाइफ से बहुत बेटर है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक महिला मेरे पास आई, उनका जो बेटा था वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि मैं एक हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे पास हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और कहती है मेरे को, मेरा हमारा एक ही बेटा है और मेरे को लाइफ में कभी भी किसी तरीके की समस्या नहीं आई। लेकिन कहती है आजकल पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। तो मैंने जब उनको थोड़ा हम लोग गहराई में लेके गए, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने जब वो क्लास 7th में आया, तो उसने कहीं पर ट्यूशन ज्वाइन करी। तो जब उसने ट्यूशन ज्वाइन करी, तो वहाँ पे एक लड़का उसका दोस्त बना। वो जो उसका दोस्त बना, वो किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। तो वो बोली कि बच्चों का आपस में काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो गई, तो मेरी भी उसकी मदर के साथ जो है वो बातचीत होने लग गई। तो वो भी किसी सोशल मीडिया अकाउंट में थी, मैं भी थी। तो वो बोली कि मैं जब देखती हूँ, वो लोग साल में 3 से 4 बार फॉरेन कंट्री जाते हैं। तो वो बोली कि हमारा बेटा भी जो है वो बहुत पीछे पड़ा, कि आप कभी भी मेरे को कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में नहीं लेके गए हो, हमेशा आप तो बस हमें या तो जयपुर ले जाते हो, या आप हमें नैनीताल ले जाते हो, हमें भी कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है। तो वो बोली कि हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया और हम भी एक फॉरेन का ट्रिप लगा कर आए। लेकिन कहती है जब मेरा बेटा भी, क्योंकि आज सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो बोलेगा अब फिर चलो, अब फिर चलो। तो वो कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहती है उल्टा मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस भी ख़राब होने लग गए हैं। और कहती है मेरे अंदर बड़ी हीन भावना आ गई है जब मैं उस लेडी को देखती हूँ, कि अरे वो तो जब देखो वो तो फॉरेन कंट्री घूमने गई हुई है, वो तो हर 3-3 महीने बाद जा रहे हैं और हम नहीं जा पाते। तो मैं अपने में बड़ी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ले रही हूँ। तो खैर, हमने जो बाकी बातें तो करी, मैंने उनको एक चीज़ बोली कि आप उस बच्चे की मदर के साथ कितनी क्लोज हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे बताया कि नहीं, वो बहुत अच्छी लेडी हैं, मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ और हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा चलो, आप उनसे एक बारी ऐसे ही पूछना कि भाई आप इतना फॉरेन कंट्री जाते हैं, आपको पसंद है, आपके हस्बैंड को पसंद है, किसको पसंद है। तो उसने बोला कि ठीक है। तो 15 दिन के बाद जब वो हमारे पास आई, तो वो लेडी बहुत ही खुश थी, मतलब उस दिन तो उसकी एनर्जी चेंज हुई हुई थी। और वो जैसे ही वो बैठी, बाद में मुझे कहती है, मैम आपको पता है, मैंने जब उनसे पूछा कि आप इतना फॉरेन कंट्री जानते हो, आपके घर में किसको ज़्यादा शौक है, तो बोली वो तो लिटरली अपना दुख सुनाने लग गई और बोलने लगी, ना मुझे शौक है, ना मेरे हस्बैंड को शौक है, ये हमारा बेटा जिस स्कूल में जाता है वहाँ के सारे बच्चे, वो तो हर महीने जाते रहते हैं, इसने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने ट्रिप्स पे जाने के लिए लोन लिया हुआ है।
और अब हमें हर समय ये चिंता रहती है कि हम उस लोन को कैसे चुकाएं। तो जब उसने ये बात मुझे बताई तो मैं बहुत आराम से ये देख पा रही थी कि किस तरीके से वो सोशल कंपैरिजन के अंदर आके वो कितनी अनईजी हुई थी और उसको बड़ी राहत मिली, क्योंकि वो जो लेडी थी वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में नहीं थी। फिर हमने उनको धीरे धीरे जो है मेडिटेशन सिखाया और आज उनको कम से कम 4 साल हो गए हैं और वो इतना सुकून का जीवन जीती हैं और बिल्कुल मेडिटेशन आध्यात्मिकता में और अपना विजडम लेती हैं और बड़ा सुख का वो जीवन जीती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो कंपैरिजन है, अगर हम ये गलती करें, अपनी कमियों को दूसरों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो कंपैरिजन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है दोस्तों कि वो हमारे में बहुत सारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को पैदा कर देता है, जिसमें से अगर मैं सबसे बड़ी समस्या बोलूँ तो वो होती है लो सेल्फ एस्टीम और हमारा लो सेल्फ परसेप्शन। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सामने वाले के पास क्या है, सामने वाले ने क्या हासिल किया हुआ है, और उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं कि मेरे पास वो नहीं है। हमें क्या लगने लग जाएगा, मे बी आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, मैं तो किसी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हुए हैं, वो मैं भोग रहा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लोगों का जीवन देखो। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, हमारा सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाता है, और जब हमारा सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारी खुद के लिए सोच बदल जाएगी, हम अपने आप के लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, हम जो कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं, हमारा तो वहाँ ध्यान जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे अटक गए, हम अटक गए लो सेल्फ एस्टीम में, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी सेल्फ परसेप्शन, खुद के लिए ही हमारी सोच बहुत लो हो जाएगी, और जिससे हमारे को बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, हम एंजाइटी के अंदर घिर जाएंगे। स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ या जो मुझे अपने ऊपर एफर्ट करना है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उससे ध्यान हटके मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो रोज़ कंपेयर कर रही हूँ। किसको कंपेयर कर रही हूँ? अपने आप को। किनसे कंपेयर कर रही हूँ? हर उस इंसान से जिसमें मेरे को एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है। तो इससे क्या होगा, मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब मेरे को क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा तो दोस्तों हमारे को बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। इवनली अगर मैं कहूँ तो ये जो कंपैरिजन है, ये सिर्फ हमारा अपने तक सीमित नहीं रहता, हमारा बच्चा है, अब हम अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? अगर मैं अपने बच्चे को 20 बच्चों से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं 20 के 20 बच्चों की पॉजिटिव चीज़ को अपने बच्चे के साथ कंपेयर करके कहती हूँ, अरे तुम में तो ये नहीं है, वो देखो कितना अच्छा प्लेयर है, आपको प्लेयर होना चाहिए, वो देखो कितना अच्छा स्पीकर है, आपको अच्छा स्पीकर होना चाहिए, उसका देखो मैथ्स कितना अच्छा है, आपका भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर रहकर हम दोस्तों अपने आप को स्ट्रेस में और एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हम डाल लेते हैं। इससे जुड़ी और समस्या क्या आनी शुरू हो जाती है, वो है बॉडी इमेज और हमारे ईटिंग डिसऑर्डर। जब हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं तो सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, नोन पर्सनालिटीज़ हैं, हम उनको देखते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, वाओ ये देखो इस एज में भी इन्होंने अपने आप को कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है। सिर्फ बुराई यहाँ पर ये आती है कि हम उनकी एडिटेड, हम उनके फिल्टर्ड फोटोग्राफ्स को रियल मान के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आप देखिए ना कितने लोग आजकल कॉस्मिक सर्जरी करवा रहे हैं। आपको लगता है कि हम जो हैं परमात्मा की रचना, क्या हम खूबसूरत नहीं हैं? क्या खूबसूरती सिर्फ हमारे देखने में है, हमारे लुक्स में है? अगर हमारा कद छोटा है, हमारा वज़न ज़्यादा है, अगर हमारा रंग साफ़ नहीं है, तो क्या हम खूबसूरत नहीं हैं? खूबसूरती की परिभाषा कहाँ से है? खूबसूरती की परिभाषा हमारे सोच से है, हमारे इमोशन से है, हमारे एक्शन से है।
लेकिन ये सोशल कंपैरिजन क्या करता है, ये हमारे लिए खूबसूरती की परिभाषा बना देता है। स्लिम, ट्रिम, टॉल होना, गोरा रंग होना, आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना चल रही है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है, सोशल कंपैरिजन का है। हमने लोगों के अंदर बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स देखे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन लड़कियाँ वो ज़्यादातर खाना पीना एकदम छोड़ देती हैं, धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एनोरेक्सिया में चले जाते हैं और अपनी हेल्थ को वो लोग बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं, सिर्फ किसी पर्सनालिटी को देखा, किसी मॉडल को देखा, किसी सेलिब्रिटी को देखा कि अरे वो कितनी अच्छी लग रही है, हमें भी वैसे होना है, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि जो हमें दिख रहा है वो रियल है कि वो क्रिएटेड है। तो ये भी एक हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असर डालता है। और यदि हम इस कॉन्स्टेंटली इस सोशल कंपैरिजन के अंदर जकड़े जाते हैं तो दोस्तों हम पता है क्या करने लग जाते हैं, हम लोनलीनेस में चले जाते हैं, हम अपना सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ इस्टीम हम इतनी कम कर देते हैं, हम इतनी कम कर देते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, मुझे समाज का सामना ही नहीं करना, कोई और कंपैरिजन करे ना करे, हम खुद ही अपना इतने अपने को तुलना में डाल देते हैं, इतना हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, इट्स बेटर टू स्टे एट होम, मैं तो अपना अलग ही रहूँगी, जिसका नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे हम सोशल बायकॉट करने लग जाते हैं और हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो ये कुछ डाउनफॉल हैं जो सोशल कंपैरिजन जो है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर डालता है। अब हम ये समझते हैं, हमें लगेगा कंपैरिजन तो कंपैरिजन होता है, नहीं दोस्तों, ये जो हम सोशल कंपैरिजन करते हैं ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा अपवर्ड कंपैरिजन और दूसरा होता है हमारा डाउनवर्ड कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन क्या करता है और ये किस तरीके से होता है, जब हम अपने से ज़्यादा अचीव करे हुए लोगों को अपने साथ कंपेयर करते हैं तो हमको क्या होगा, हम एक गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट इट बी कि मैं एक सीए बन रही हूँ, मैं अभी नई नई सीए बनी हूँ और मैंने जिस फर्म को ज्वाइन किया है वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर सीए हैं, मैंने देखा दे हैव वेरी गुड फ्लेयर ओवर देयर नॉलेज, उनके काम के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो मुझे वहाँ पे लगेगा अरे मुझे तो अभी काम की समझ ही नहीं आ रही, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो गैप है अगर मैंने इस गैप को पॉजिटिव वे में नहीं लिया तो ये जो मेरा सोशल कंपैरिजन है ये क्या करेगा, ये मेरे सेल्फ इस्टीम को एकदम लो कर देगा, मेरी सेल्फ इस्टीम कम हो जाएगी, मेरा खुद के लिए सेल्फ रिगार्ड कम हो जाएगा और मेरी सेल्फ परसेप्शन इतनी लो हो जाएगी कि मुझे लगेगा अरे मैं तो सीए करके भी किसी लायक नहीं हूँ, उन लोगों को देखो कितनी नॉलेज है, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है। या इसका दूसरा तरीका जो हमें करना चाहिए वो है उसको पॉजिटिव वे में लेना। मैं पॉजिटिव वे में उसको कैसे लूँगी, मैं देखूँगी कि आफ्टर ऑल मैंने अपना सीए पूरा करा है, अब मैं यहाँ पे आई हूँ, इन लोगों को 5 साल, 6 साल, 3 साल हो गए हैं काम करते हुए, ये मेरा गैप है, मुझे भी इसको अचीव करना है, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये मुझे मोटिवेशन देगा, ये मुझे प्रेरणा देगा। तो वही मेरा सोशल कंपैरिजन जो मैं अपवर्ड वे में कर रही हूँ, यानी कि जो मैं अपने से ज़्यादा अचीव लोगों से कर रही हूँ, अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँगी तो ये बहुत खूबसूरती से मुझे मोटिवेट करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे डाउनवर्ड कंपैरिजन की। डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या होता है, जब हम अपने आप को अपने से कम अचीव लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए, आप नॉलेज में ले लीजिए, प्रोफेशन में ले लीजिए, किसी भी वे में उसको ले लीजिए, अब क्या होगा, मेरे को लगेगा वाओ मैंने तो इतना अचीव किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो सेल्फ रिगार्ड है उसको इंक्रीज करेगा, मेरी सेल्फ परसेप्शन मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यदि मैंने उसको बैलेंस में नहीं रखा तो ये पता है क्या करेगा, ये मेरे को ईगो में ले जाएगा, ये मुझे प्राइड में ले जाएगा, और जैसे ही मेरे अंदर ईगो और प्राइड आएगा तो उसका असर क्या होगा, हम सब जानते हैं, ये जो मेरी अंतर यात्रा है, ये जो मेरी खुद से खुद को ट्रू सेल्फ से जोड़ने की यात्रा है, उसमें बाधा आ जाएगी। क्यों बाधा आ जाएगी, क्योंकि मैं तो ईगो कॉन्शियसनेस में चली गई और मैं ये क्या सोचने लगी, वाओ
मेरे जो अचीव किए हैं वो तो कोई अचीव कर ही नहीं सकता। तो ये हुआ नेगेटिव वे में जब हम डाउनवर्ड कंपैरिजन को लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसको हम पॉजिटिव कैसे लेंगे? क्या हम इसको पॉजिटिव ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके। और दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितना आप इसके अंदर जाएंगे, ना सिर्फ ये आपकी अंतर यात्रा को सुलभ करता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करता है और हमारे को ये जीवन में और आगे बढ़ाता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड में जाएंगे, उतने ही हम जो हैं हम्बल बनते हैं। तो हमने ये देखा कि दो तरह का सोशल कंपैरिजन है, अपवर्ड है, पॉजिटिव वे में लेंगे तो मोटिवेशन देगा, डाउनवर्ड कंपैरिजन है, पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड का एस्पेक्ट डालेगा। और जब हम सोशल कंपैरिजन को अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं हर एस्पेक्ट में, सामने वाला कैसा है, मैं कैसी हूँ, इवनली हम कहीं आते जाते भी हैं तो इस बात से ध्यान हट जाएगा, मैंने क्या पहना है, दूसरों ने क्या पहना है, वहाँ से लेकर अपने करियर तक, मेरा घर कैसा, उसका घर कैसा, मेरे पास कैसी गाड़ियाँ, उसके पास कैसी गाड़ियाँ, इवनली स्पिरिचुअल वे में भी अगर हम उसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो वो हमें मेंटल और इमोशनल लेवल पे, वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है और हमारी अंतर यात्रा में बाधा डालता है। और हम क्या करेंगे, हम एक अननेसेसरी कंपटीशन में अपने आप को डाल देते हैं। हमें उतनी कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सोशल कंपैरिजन को नेगेटिव वे में ले रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटिशन में डाल दूंगी। तो दोस्तों, ये जो सोशल कंपैरिजन है, ये हमारे अंदर एक और समस्या डालता है, वो है फोमो की। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम अपने आप को कांस्टेंट लेवल के ऊपर सोशल कंपैरिजन में रख रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू रख रहे हैं, चाहे हम अड़ोस पड़ोस वालों को देखकर, चाहे हम अपने रिश्तेदारों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ को जब हम कंपैरिजन में चले जाते हैं तो हमको पता है क्या लगेगा, अरे देखो वो कितना इंजॉय कर रहे हैं, वो जीवन का पूरा लुत्फ ले रहे हैं, वो तो इस जीवन में आए हैं, पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं, दे आर इंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग। और हमको ये छटपटाहट होने लग जाएगी, ये मौका मेरे हाथ से ना चला जाए, अरे मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रही, मैं ऐसा नहीं कर पा रही जैसे वो कर पा रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा जैसे उसका बच्चा कर पा रहा है। तो ये जो फोमो का समस्या हमारे अंदर आने लग जाती है, ये भी दोस्तों हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों पर चला जाता है, हमारे को जो मिल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, या मैं उनको इम्प्रूव करने के जगह मैं क्या करती हूँ, मैं इस फियर में चली जाती हूँ, मुझे लगेगा ये मौका तो मेरे हाथ से चला गया, अरे हमारी किस्मत कहाँ है, हम कहाँ ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम क्या करते हैं, हम खुद अपनी एनर्जी को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ तक ये फोमो की समस्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको दोस्तों हमारे को अपनी लाइफ में से बाहर निकालना और हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दो कदम हैं, खास कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी हैव रेदर देन व्हाट वी डोंट हैव। हमें अपना ध्यान किस पे लगाना चाहिए, जो हमारे पास है, ना कि जो हमारे पास नहीं है। यही तो हम गड़बड़ करते हैं कंपैरिजन के अंदर। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, जब हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, अरे देखो उसके पास ये है, उसके पास वो है, अभी हमने बात करी, सोशल मीडिया हमारे को इस चक्रव्यूह के अंदर डाल देता है, हम इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हम क्या करते हैं, वी स्टॉप काउंटिंग अवर ब्लेसिंग्स। जो हमारे पास है हम उसको नहीं देख पाते, मेरे पास क्या है उसके से तो ध्यान जाता ही नहीं है। जब ध्यान ही नहीं जाता तो हर चीज़ मुझे क्या लगती है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे को जो है आपके पास उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास पॉइंट जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो चीज़ आपके पास है
उसके लिए किसी भी एस्पेक्ट में आप पैसा लगा लीजिए, रिलेशनशिप लगा लीजिए, बच्चों के एजुकेशन लगा लीजिए, अपना प्रोफेशन लगा लीजिए, घर मकान, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना है, जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड को मैं इतना मतलब एक मैजिकल तरीका समझती हूँ जो हमारे बहुत सारी समस्याओं को हमारे जीवन से निकालता है। तो आज हमने दोस्तों ये समझा कि सोशल कंपैरिजन क्या होता है, किस तरीके से ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर डालता है। हमने ये भी समझ लिया कि दो तरीके के हमारे सोशल कंपैरिजन होते हैं और ये हमें फोमो में भी डालता है, और हम फोमो से अपने आप को कैसे बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकगण अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें और ये देखें कि उनकी लाइफ में जब अपवर्ड या डाउनवर्ड कंपैरिजन आता है तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। हम इसी चर्चा को, इसी टॉपिक को लेकर आएंगे अगले एपिसोड में आपके साथ। तब तक आप जुड़े रहिए PMC हिंदी चैनल से, और आप सबको मेरा धन्यवाद। PMC